सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको दो तरीके हैं करने के। फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन है 0.000529 ठीक है, करा है आपने? किस तरीके से करा, अटेम्प्ट करा? बहुत बढ़िया, गुड। आप लोगों ने? सर मैंने करा था सर, मैं नीचे 529 के नीचे मैंने जितने आगे उसको आगे करा था उतने जीरो डाल दिए। ठीक है, आपने? सर मेरा तो करा दिया। दो तरीके हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी ले जाके कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाला बहुत ही बढ़िया मेथड है, उस तरीके से कर लो। इसके अंदर नंबर क्या, 529 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसका मतलब होता है, ये रूल है, रूट a अपॉन b इक्वल्स रूट a अपॉन रूट b। ये देखो, ठीक है, अगर कॉमन रूट हो तो अलग दे सकते हैं और अलग अलग हो तो कॉमन दे सकते हैं। यहाँ से है, यहाँ से जहाँ से। और रूट 529 क्या होता है? 23 होता है। अगर ये नहीं पता तो आप वो लॉन्ग डिवीजन से इसको करके देख सकते हो। 529 का नहीं पता तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देख सकते हो। फिर हम राइट टू लेफ्ट पेयरिंग बनाएंगे, 2 2 4, 1 बचा 29, 2 का डबल 4 और 3 से करेंगे 43 × 3 = 129। तो आपका 529 का आंसर आ गया 23। अच्छा, जीरोस का देखेंगे, रूट 100 क्या होता है? 10। दो जीरोस हैं तो एक जीरो आ गया, चार जीरोस होंगे तो दो जीरो, यहाँ पे कितने हैं? ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। ठीक है ना, बढ़िया सी स्माइल लग रही है। तो यहाँ पर आ गया, तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आया? 0.023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये वाला, दिस वन, रूट 243 अपॉन रूट 636। 243 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो आप इसको इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में ले जाओ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 243 अपॉन 363। इज इट क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी? यही वाली। ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 243 × √363। तो उस केस में आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स रूट ए इंटू बी। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब सर दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर उसका रूट निकाल, उसका अंडर रूट निकाल देना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको रिड्यूस कर दो। किस से रिड्यूस होगा? हो रहा है 3 से हो रहा है, देखो 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। 3 के टेबल में जा रहा है, नीचे वाला भी 12, 3 के टेबल में जा रहा है। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 1, 2, 1, ऊपर क्या आएगा? 81। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 81 अपॉन 121। रूट 81 इज व्हाट? 9 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
वाला क्वेश्चन डेसिमल में है, आई गेस आप कर सकते हो। मैं थोड़े से स्टार्ट दे सर, एक चीज पूछनी है। अच्छा, मैंने जो 243 था और 363 था सर, पहले तो मैंने सर दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से करा सर दोनों को।
तो सर दोनों का दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, तो सर मेरा थ्री थ्री का पेयर नहीं बना, नाइन और नाइन का बन रहा था सर, इसमें इलेवन का बन रहा था, थ्री थ्री का नहीं बन रहा था, तो सर मेरा भी एक तरह से वही सेम आया ना, नाइन अपॉन आपने आंसर लिखा सर, बट दोनों का बन नहीं रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने आपको उसका मेथड बता दिया, ठीक है। आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, लेकिन आपने उसको आंसर में नहीं लिख पाया, आंसर लिखना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वर्किंग दिखानी है उसके अंदर, ये इजीएस्ट तरीका ही आपको क्लियर दे देगा। लास्ट वाला ये थर्ड पार्ट मैं कर देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में बोला ही है, डेसिमल वाला ज़्यादातर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हो जाता है आराम से, मैं इसको करके इस तरीके से दिखा रहा हूँ। 4556.25 ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। डेसिमल के केस में डेसिमल से पहले वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स आपको राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करनी होती है, और डेसिमल के बाद वाले लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करनी होती है, ऐसे ठीक है इस तरीके से। तो 45 कितना हो जाएगा, 8 8 8 64 6 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
कितना आ गया 9 56 पूरा आ जाएगा 6 का डबल करेंगे 12 12 7 से कितना आया 889 कितना रिमाइंडर 67 यहाँ डेसिमल आ गया डेसिमल ऊपर आ जाएगा 25 नीचे अब यहाँ पे जो नया नंबर डाला है उसी का डबल करेंगे 7 का डबल करेंगे 14 और यहाँ पे बना गया कितना आ जाएगा 13 134 और यहाँ फिर ब्लैंक्स 5 पे चला जाएगा 6725 इसका आंसर आ गया तो इस लॉन्ग डिवीजन वाले का आंसर कितना हो गया 67.5 इज अवर आंसर ठीक है फैक्टराइजेशन कर दिया बहुत लंबा जाएगा बहुत लंबा क्वेश्चन है ठीक है कॉपी कर लो